बच्चों को नूडल्स, मैगी ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद होती है, साथ ही लंच बॉक्स में रख दो तो वो और अच्छे से खाते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नूडल्स, तो हम इन्हें बनाने वाले हैं आटे से। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा, साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तेल वगैरह ऐड नहीं करना है हमें इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास गूंथा हुआ आटा रखा हुआ है तभी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे, जैसे कि हम रोटियों के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका एक आटा लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए बढ़िया सॉफ्ट सा हमने आटा लगा दिया है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल लगा देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको रेस्ट करने के लिए, जिससे कि इससे नूडल्स बहुत ही अच्छे से बनते। तो ये देखिए बढ़िया से आटा हमारा सेट हो गया है एकदम। इसको एक बार हम और नीट कर लेंगे और आटा आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप एकदम सॉफ्ट आटे का इस्तेमाल करें, इससे जो हमारी नूडल्स है ना बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो हमने इसे बनाने के लिए 20 से आधा कर लिया है, जितना हमारे सांचे में आ जाए उस हिसाब से हम इसको डालेंगे। तो आप जैसे मुरक्कू या फिर नमकीन वगैरह बनाते हैं ना, उसी से हम इसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटे वाला सांचा ले लिया है, जिससे नमकीन जो रतलामी से वो बनती है वही वाला सांचा हमने लिया है। और इसको अच्छे से ऑयल कर लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी आटा हमारा चिपके ना। और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा आटे वाला डो। तो तेल हमने काफ़ी अच्छे से लगा दिया है, अब ये डो हम इसमें लगा देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फुल नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नूडल्स हम नहीं बना रहे, क्योंकि ये तुरंत बनाओ और तुरंत इसको सर्व करने वाला है, आप इसको रख नहीं सकते हैं। तो हमने को जितनी बनानी उतने आटे की ही हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने पानी एकदम गर्मा गर्म कर लिया है, बॉईल कर ले और इसके बाद आप इस नूडल्स को डाल दें इसमें, और 10 मिनट के लिए आप इसको बॉईल कर ले, तो ये हमारा जो नूडल्स है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। और इसको अब हम अच्छे से कुक होने देंगे, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम कुक होने देंगे, ये देखिए बढ़िया से ये फैलने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा हम इसको स्पून से अलग कर देंगे। और अब इसे बहुत अच्छे से 10 मिनट के लिए, चाहे आप कवर करके इसको कुक करें या फिर ऐसे ही, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह से पानी हमारा खौल रहा है, नूडल्स बहुत अच्छे से फ्लो होने लगे हैं, एकदम कुक हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल देंगे बाहर स्ट्रेनर में, थोड़ा सा ठंडे पानी से आप इसे वॉश कर लें, जिससे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो सारा पानी हमें इसका अलग कर देना है, आप स्ट्रेनर में निकालें या छन्नी से छान लें। ये देखिए बढ़िया से हमारे नूडल्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटी चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च, साथ में 1 छोटा किया हमने शिमला मिर्च लिया है। तो सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप प्याज भी डाल सकते हैं इसमें। साथ में इसमें डाल देंगे 1 से 2 टमाटर। टमाटर डालना ऑप्शनल है, लेकिन टमाटर डालने से इसमें बढ़िया सी टेंगीनेस आती है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए हमने टमाटर डाला है। और ये आटे की बनी हुई है ना, तो इसमें खट्टा मीठा स्वाद होना ही चाहिए। साथ में डाल देंगे थोड़े से मटर, तो ये फ्रोज़न वाले मटर है, 2 चम्मच के लगभग हमने लिए हैं। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चों को पसंद हो, वो सारी सब्जियाँ आप ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने आटे में भी डाली और हमें इसमें सॉस भी डालना है, तो नमक आप उसी हिसाब से डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, नमक डालने से टमाटर जल्दी से कुक हो जाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे, तो 1 छोटी चम्मच के लगभग हमने सोया सॉस डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ओवर सॉस बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस 2 ही सॉस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो हमारी बॉईल की हुई नूडल्स हैं इन्हें हम डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली हमारी नूडल्स बनी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, बच्चों को जब आप ये लंच बॉक्स में रखेंगे तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि आटे की बनी हुई है और उन्हें ये बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी नूडल्स जो है वो तैयार हो गई हैं। तो घर में रखे हुए आटे से आपने कितनी बेहतरीन नूडल्स बना ली, वो भी बच्चों की फेवरेट। और अब हम इसको बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर देंगे।
तो ये देखिए बच्चों का फेवरेट बहुत ही यमी सा हमारा लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक किया करिए और कमेंट पर भी बताइए कि आपने इसमें से कौन सी रेसिपी ट्राई करी और आपको किस तरह की रेसिपीज़ देखनी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।